बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। वेब सीरीज मेड इन हेवन में एक्टर अर्जुन माथुर की अदाकारी को खूब सराहा गया था। शो में अर्जुन माथुर ने गे शख्स का किरदार निभाया था। शुरुआती करियर में अर्जुन माथुर ने फिल्म आई एम और माइग्रेशन में होमोसेक्सुअल कैरेक्टर निभाया था। इन सभी रोल्स की वजह से अर्जुन माथुर को रियल लाइफ में अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एक इंटरव्यू में अर्जुन माथुर ने खुलासा किया, सोशल मीडिया पर लोग मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में सवाल करते हैं। मेल फैंस मुझे हर तरह के मैसेज भेजते हैं, इनमें कुछ अश्लील मैसेज होते हैं तो कई सारे शादी के प्रस्ताव भी होते हैं। अभी तक मेरे पास आकर किसी ने नहीं पूछा कि मैं गे हूँ। मैंने फिल्म आई एम और माइग्रेशन से पहले भी दो बार गे कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर लोग जानना चाहते हैं कि क्या मैं गे हूँ। मेड इन हेवन के बाद मुझे गंदे मैसेज आते हैं, कई लोग शादी का ऑफर भी भेजते हैं। बताते चले कि अर्जुन माथुर ने अनुपम खेर की द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में राहुल गांधी का रोल भी निभाया था। बीते सालों में एक्टर ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।